मुरादाबाद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गौशाला निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है, जिसके चलते मुरादाबाद लाकड़ी बाईपास पर निर्माण कार्य करने की प्रक्रिया को आरंभ कर जोर दिया जाने लगा है। नगर निगम के वार्ड 11 मैनाठेर में काना गौशाला के लिए सरकार द्वारा भूमि प्रस्तावित किए जाने के बाद जनवरी 2018 में कार्य को प्रारंभ किया जाना था, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी काना गौशाला का कार्य ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा है। बताते चलें कि प्रदेश में योगी सरकार के बनने के बाद गौवंशीय पशुओं के रखरखाव पर पूरा जोर दिया गया और गौवंशीय पशुओं के लिए सरकार ने गौशालाओं का निर्माण को हरी झंडी देकर पशुओं की रक्षा की बात कही, लेकिन आज भी सरकार के निर्देशों की अनदेखी देखने को मिल रही है। काना गौशाला के मुख्य द्वार पर लगा ये पत्थर बता रहा है कि इस गौशाला को अब तक बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन नगर निगम विभाग की अनदेखी के चलते शायद इस कार्य को पूरा होने में कितना समय और लगे ये कोई नहीं जानता। काना गौशाला पर मौजूद रहे कर्मचारियों से बात की गई, तब उन्होंने बताया, और मेरे पास में जो ड्राइंग दी गई है और मैं अभी आया हूँ यहाँ पर के, और आने के बाद में मैं जो काम है इसे सुचारू रूप से काम कराने के लिए तैयार हूँ, और जो मुझे मैप दिए गए हैं इसके बेस पे मैं इसे काम को आगे प्रगति में लेकर आ रहा हूँ। कितने टाइम से इसका कार्य चल रहा है, क्या क्या कार्य अभी तक हुए हैं? इस ज्ञान से अभी अनभिज्ञ हूँ, मुझे इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है कि कब हुआ है। मैं अभी लास्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे 15 दिन से, तभी से मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी है और मेरे पास में ड्राइंग आई है जिसके द्वारा मैं आप कार्य करा रहा हूँ। अच्छा, इसका आपने बाहर एक पत्थर लगा हुआ जिस पर इसका शिलान्यास का लिखा हुआ है, कब इसका उद्घाटन हुआ? इसकी बाउंड्री वॉल हुई होगी उस टाइम का होगा, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। वहीं वार्ड 11 के पार्षद जहीर आलम द्वारा बताया गया कि गौशाला का निर्माण कार्य आरंभ कराया जा रहा है, जल्द ही कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। आपके क्षेत्र में गौशाला बनी हुई है, आपने जाके देखा उसमें क्या क्या चीज सुविधाएं हैं और क्या क्या सरकार उसमें अच्छा कर रही है? हाँ, मैंने उसमें जाके देखा, सरकार अच्छा कर रही है और उसमें जो है गौशाला का जो प्रोजेक्ट मिला था उसके अनुसार उन्होंने काम शुरू कर दिया है और अब वो उसमें पिलर खड़े कर रहे हैं। टीन सेट डालने के बाद उसमें बहुत बड़ा ग्राउंड है और उसमें सारा ही काम चालू हो गया है और उसमें गौशाला के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की तैयारियां चल रही है। अच्छा, पिछले एक वर्ष पहले उस गौशाला में एक वर्ष पहले उसकी नींव रखी गई थी, एक साल के इतना एक लंबा समय हो गया उसका, कितना कार्य हुआ है आपने जो देखा होगा, गए भी होंगे आप एक बार? वो उसमें ऐसा था, सबसे पहले तो वो जगह की उसकी बाउंड्री वॉल करी गई, फिर उसके बाद में उसमें और थोड़ा सा ठीक से उसका ये निकाला गया कि कहाँ किस जगह कैसे टीन सेट डालना है, किस जगह गौशाला का धूप के लिए करना है, किस जगह ठंड के लिए करना है, किस जगह गर्मी की व्यवस्था करनी है, उसी हिसाब से उन्होंने पूरा एक एस्टीमेट बनाया और एस्टीमेट बनाने के बाद में उसमें कार्य शुरू कर दिया। सर, महज एक साल में सिर्फ उसकी बाउंड्री हुई है? हाँ, वो हुई है, धीरे धीरे काम करते करते काम चालू कराया गया। क्या माने सरकार की इसमें कितनी बड़ी लापरवाही है, एक साल में महज एक साल में वो ही है, सरकार बड़े बड़े बातें करती है गौशाला के लिए? वो तो सब कुछ आप ही के सामने है, अब मैं इसमें क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। तक क्या माने सरकार की लापरवाही, एक तरीके से लापरवाही कह सकते हैं इसे? ना, वैसा काम तो करा है लेकिन लापरवाही क्या बोलेंगे। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से लगभग 50% तो मान ही लो।